यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपको फोटो फ्रेम बनाना सिखाने जा रहा हूँ। तो इसके लिए आपको कुछ सामान चाहिए होगा, तो वो मैं आपको सामान बताता हूँ। एक कार्डबोर्ड पेपर, ये आपके घर में यूजफुल मिल जाएगा हमेशा। एंड ये ग्लिटर पेपर, एंड ये वाइट पेपर, टू वाइट पेपर एंड वन ग्लिटर पेपर। एंड ये डेकोरेशन, डेकोरेशन के लिए कुछ, ये क्यूलिंग एंड ये फॉर्म बॉल एंड ये एंड सिजर्स, कटर, स्केल एंड पेंसिल एंड ग्लू। अगर आपके पास कटर नहीं है तो आप सिजर्स का भी यूज कर सकते हैं, दोनों एक ही काम करेंगे। चलिए मैं आपको फोटो फ्रेम बनाना सिखाती हूँ। तो गाइस, फर्स्ट आपको इसके लिए स्केल स्केल से फुल एंड बराबर आपको लाइन खींचनी होगी। तो चलिए हम लाइन, एंड गाइस लाइन खींचने के बाद आपको ये कट करने लगा है। मैंने एक पहले से ही कट करके रखा हुआ है, तो देखिए आपको कुछ ऐसा कट करना है, ये लाइक अ फोटो फ्रेम। एंड ये उसी के बराबर का ये एक और कार्डबोर्ड, ताकि हमारी फोटो अंदर रखी फिट हो सके। एंड गाइस, फिर आपको ये जो हमने अभी जो हमने क्यूलिंग, एंड गाइस आपको वाइट पेपर इस पर चिपकाना है। आपको आपका जो मन है, कलरफुल पेपर, ग्लिटर पेपर, आप कोई सा भी पेपर इन पर चिपका सकते हैं। तो चलिए हम इस पर ये पेपर चिपकाते हैं। एंड गाइस, आपको पहले से ही इसको काटना नहीं है, पहले हम इस पर चिपकाएंगे एंड फिर हम आउटलाइन ऐसे कट कर लेंगे, तो हमारा सिंपली हो जाएगा। तो गाइस, फर्स्ट हम इस पर फेविस्टिक ग्लू लगाएंगे। एंड गाइस, आपको फिर ग्लू लगाने के बाद इसको इस पर रख कर प्रेस करना है। गाइस, प्रेस करने के बाद इसको साइड में हम सूखने के लिए रख देंगे। एंड गाइस, फिर जो हमारा ये वाला टुकड़ा था, इस पे भी हम उसी तरह से ग्लू लगाकर कर लेते हैं। ऐसे करने के बाद, काटने के बाद ऐसे स्क्वायर्स इस पे ग्लू लगानी है।
से हमें चिपकाने के बाद हमें फिर ये जो हमारे है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमें एक और पेपर लेना है एंड उसको इस पर फिर से पेस्ट करना है पूरे पर ग्लू लगाकर। इसको हमें रखने के बाद इसको प्रेस करना है। एंड गाइस फिर ये दोनों हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हमें इसे साइड में रखना है एंड ये जो हमने जो फोम शीट ली थी इसका हमें बिल्कुल ऐसे ही काटना है। तो हमने काट के रख लिया है एंड हम अब इस पर पेस्ट करेंगे। गाइस हमें इस पर पेस्ट करना है ग्लू लगा। गाइस ग्लू लगाने के बाद हमें इस पर ये चिपकाना है। गाइस हमें ये जो हमने फ्रेम बनाई थी हमें इसको इसके ऊपर रखना है एंड 3 साइड ही हमें इसकी कवर करनी है। वो जो 4th साइड रहेगी उससे हम इसमें फोटो स्लाइड करेंगे, इसलिए हम इसको 3 साइड ही ग्लू लगाएंगे। गाइस फिर हमें इसको प्रेस करने के बाद इसमें जो हमारे पास जो स्केल थी उसको इसके अंदर डाल के साइड में रखना है। एंड गाइस फिर हमें जो क्यूलिंग की जो ये थी डेकोरेटिंग सामान उसकी हमें कुछ ऐसी हमें ये बनाकर रखनी है ताकि हम इसमें एक फ्लावर बना सकें। गाइस हमारी जो फ्रेम थी वो बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसको डेकोरेट करेंगे। मैं तो क्यूलिंग और ये थर्माकोल बॉल से ही कर रहा हूँ, आप चाहे तो आपके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। एंड गाइस हमें कैसा ये नहीं कि जैसा मैं बना रहा हूँ आप भी वैसे ही बनाएं, आप आपके अकॉर्डिंग भी जो आपको एलिफेंट बनाना चाहे तो एलिफेंट भी बना सकते हैं आप एंड किसी कोई कुछ भी आप बना सकते हैं। मैं इस पर फ्लावर बनाऊंगा। एंड गाइस हमारा फ्लावर बनने के बाद हमें ये फॉर्म बॉल्स चिपकानी है। इसके बाद हमें जो हमारी बॉल्स हैं उनको चिपकाने के बाद हमारी फ्रेम तैयार हो जाएगी, पर अभी हम इसे थोड़ी देर सूखने देंगे। गाइस जो हमारी फ्रेम थी वो बनकर तैयार हो चुकी है, अब हम इसमें फोटो डालेंगे। गाइस जो हमारी फोटो फ्रेम है वो पूरी बनकर तैयार हो चुकी है। देखिए कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। देखिए गाइस आप आपके अकॉर्डिंग भी डेकोरेशन कर सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, पसंद आए तो भी लाइक कीजिए, नहीं आए तो भी लाइक कीजिए। गाइस अगर आपको ये अच्छी लगती है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। बाय गाइस।